नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इंद्र मेघवाल, भारत में जातिवाद कितना मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है कि आज भी एक 9 साल के बच्चे को घड़े से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी आप समझिए, लेकिन इसका विरोध देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहा है। जो बहुजन है वो दुनिया भर में इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अमरीका की तस्वीरें हैं जहां पर इंटरनेशनल बहुजन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया है इंद्र मेघवाल के समर्थन में जातिवाद के खिलाफ। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर मुस्लिम भी है, सिख भी है, जो बहुजन यूनिटी है SC ST OBC माइनॉरिटी, वो विदेश में भी एकजुट है और अब जो है वो इतने सक्षम हो चुके हैं कि विदेश में अपनी आवाज उठा रहे हैं। इंद्र मेघवाल के लिए अमेरिका में प्रोटेस्ट होना एक बड़ी बात है। इसके अलावा जिस तरीके से एप्पल में जातिवाद के खिलाफ उन्होंने कमेटी बनाई है और बाकायदा इसके लिए जो है जातिवाद के खिलाफ ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है एप्पल में, आप सोचिए कि जातिवाद कहां तक पहुंच गया है। उसी की अब ये तस्वीर है कि अमेरिका में जो बहुजन है, बहुजन रहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, उन्होंने इंद्र मेघवाल के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया और जातिवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये सुनिए, ये है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। वरुण गांधी क्या कह रहे हैं, इसको सुन लीजिए। जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो तो छोड़िए, 10 लाख की बात तो बाद में करेंगे, पहले जो 1 करोड़ जो पद खाली पड़े हैं उनको तो भरिए। आज सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है, पिछले 45 साल में सबसे ऊंची दर जो है आज बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। 45 साल में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन भारत सरकार क्या कहती है कि सब चंगा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार संसद में आंकड़ा देती है कि 22 करोड़ आवेदन आते हैं जिसमें से 7 लाख लोगों को नौकरी दी जाती है, यानी कि 1% लोग भी नौकरी नहीं पाते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो बीजेपी के सांसद है वरुण गांधी, वो लगातार मुखर होकर रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे हैं और जो उनके बगावती तेवर है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनने को तैयार नहीं, जबकि वो खुद बीजेपी से सांसद है। तो वरुण गांधी ने साफ साफ कहा है मोदी जी को रोजगार दिए, इसके अगर आप रोजगार नहीं देते हैं तो फिर जो देश है वो लगातार गर्त में रहा।